हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक। आज के वीडियो में एक स्मॉल कैप कैटेगरी के आईटी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो पिछले काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है एंड उस रेंज का ब्रेकआउट अभी करंटली आता हुआ, उस पर्टिकुलर रेंज से ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है एंड अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास करंटली ट्रेड कर रहा है। तो उसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। अभी करंटली अगर देखा जाए तो निफ्टी ने अपने दिसंबर 2022 के जो हाई लेवल थे उनको टच किया, उस पर्टिकुलर लेवल पर कंसोलिडेट किया एंड उन लेवल्स पे ब्रेकआउट भी दिया। तो निफ्टी करंटली अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी करंटली अगर सिचुएशन देखी जाए तो आईटी सेक्टर से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप एक बात ध्यान रखें कि जो मिड कैप कैटेगरी की एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के आईटी स्टॉक्स हैं वो इस पर्टिकुलर जो बुल रन है उसको लीड करते हुए नज़र आएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आज का स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसके बारे में बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस को हमने पहले भी किया है। आज के वीडियो में टोटली हम टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे कि क्या करंटली किन लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या इसके पर्टिकुलर लेवल्स है जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी आज के वीडियो में, तो आप वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। अभी करंटली मैंने एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है इसमें, तो आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अगर मैं चार्ट को एक बार इसको रिमूव करूं तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम साथ में इस लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ सके कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के थ्रू करंटली हम इस स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले अभी जो स्क्रीन पे आपको कैंडल्स दिख रही है वो डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ओपन है, यानी कि एक पर्टिकुलर कैंडल एक दिन के प्राइस मोमेंट को दिखाती है। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। जब भी हम ऐसा ट्रेड कोई लेते हैं तो हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी हमें कन्विक्शन होता है तो वो हमारे जो भी ट्रेड बैठते हैं वो हमेशा 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल बैठते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब पहले भी इस स्टॉक ने अराउंड जून 2018 में अपने हायर लेवल लगाए थे अराउंड 81 रुपीज़ के, उसके बाद स्टॉक ने नीचे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड इस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टॉक ने कंसोलिडेट भी किया था। इसके बाद में फिर से स्टॉक कुछ नीचे गया एंड उसके बाद जब इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ा तो स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छी रैली दिखाई जिसमें स्टॉक ने 220 तक के लेवल भी शो किए थे। अभी करंटली क्या सिचुएशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो अभी वीकली कैंडलस्टिक में चार्ट को ओपन कर रखा है, एक पर्टिकुलर कैंडल जो है एक वीक के प्राइस मोमेंट को दिखाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ये नेकलाइन ऑलरेडी ब्लू कलर में ड्रॉ करी हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर बनता हुआ नज़र आता है, ये जो है हेड नज़र आता है इन्वर्टेड एंड ये राइट शोल्डर बनता हुआ नज़र आता है एंड इस पर्टिकुलर रेंज से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर रिटर्न को मेज़र किया जाए तो जो इस पर्टिकुलर जो हेड है उसकी अगर डेप्थ को मेज़र किया जाए तो हम मेज़र करेंगे उसको, ये अराउंड आती है 44% की। इसको अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं इसको उठा के तो अराउंड 30% के जो रिटर्न है वो अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न आते हैं। लेकिन जब ये इस पर्टिकुलर रेंज पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है यहाँ पे कुछ समय तक कंसोलिडेट करे स्टॉक फिर से, जैसे कि इस पर्टिकुलर रेंज पे किया था एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये दोबारा से अपने अपसाइड जर्नी स्टार्ट करे एंड 220 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर एक चीज़ देखें तो अगर जो फाइनेंशियल्स रिजल्ट है क्वार्टर के वो इस चीज़ को सपोर्ट करें तो ये रैली उतनी ही तेज़ी से आएगी एंड अगर फाइनेंशियल रिजल्ट सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी ये जो जर्नी है 30% की इसको मुझे नहीं लगता कि एक साल से ज़्यादा का समय लगेगा। तो एक साल में अगर आप 31% के रिटर्न किसी पर्टिकुलर स्टॉक से कमाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बेकार रिटर्न है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से इस स्टॉक में हम करंटली एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे ज़रूर एडवाइस लें एंड अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी ट्रेड में एंट्री लें। तो अगर होप कि ये वीडियो आपको जो एनालिसिस है एंड चार्ट पैटर्न है वो समझ में आया होगा। एक और चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं वापस से इस पर्टिकुलर चार्ट को डेली कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करता हूँ एंड थोड़ा मैं इसे जूम आउट करता हूँ, प्राइस को अगर अपन
एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टॉक ने काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया था, वो इस पर्टिकुलर जो चार्ट पैटर्न है उसको अगेन एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी कंसोलिडेशन दिखा चुका है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर तीन टाइप की जर्नी होती है, या वो अपसाइड जाता है जैसे कि यहाँ गया था, या वो डाउन साइड जाता है जैसे कि यहाँ गया था, या फिर कंसोलिडेट करता है। तो कंसोलिडेट कर लिया स्टॉक ने, एंड जो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ये अगर जो अपने बॉटम पे बनता है, यानी कि जब स्टॉक ऑलरेडी नीचे चला जाता है, तो ये एक तरीके का जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ से जो डाउनवर्ड मोमेंट था वो अपवर्ड मोमेंट में कन्वर्ट होगा इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद, तो ये चीज़ भी इस पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। होप कि आप इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो जैसे ही इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे आई विल डेफिनेटली शेयर दोज रिजल्ट विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।